नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस कराने आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लो लेवल लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज सोर्सेस कोड, मिडिल कोड, हाई लेवल लैंग्वेजेस और मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट प्रोवाइड्स लिटिल और नो एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कमांड्स। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करने के लिए जो हम कमांड्स यूज़ करते हैं, इनसे कोई भी एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं होती है इन लो लेवल लैंग्वेज। और फंक्शंस इन द लैंग्वेज मैप क्लोजली टू द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस। तो जनरली दिस रिफर्स टू आइदर मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे वर डेवलप्ड फर्स्ट एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस केम अलॉन्ग लेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मोर इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस, मोस्टली कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मशीन लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन अ मेमोरी एड्रेस एंड एन इज़ द नंबर ऑफ एड्रेसेबल यूनिट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड एन। एम इज़ द नंबर ऑफ बिट्स है एंड एन इज़ द नंबर ऑफ एड्रेसेबल यूनिट्स, तो एन इज इक्वल टू 2 to the power m होगा। ठीक है, यही होता है। अगर हमारे पास एक मेमोरी है ऑफ एड्रेसेबल और एड्रेसेबल यूनिट है 1024 byte, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मेमोरी है, ठीक है। Then we need 10 bits to address complete memory. 2 to the power 10 मतलब हमें n is equal to 10 bits चाहिए to address the memory. तो इसका right answer ये होगा। Next question है, which of the following are two most commonly used industry standards for interchip serial communication? तो आपका last answer होगा ये होगा I2C and SPI. क्यों होगा? क्योंकि सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। SPI का मतलब क्या होता है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। यहाँ पे P is for peripheral. ठीक है, तो ये है एंड सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस एंड इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C का मतलब क्या है? इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, दे आर टू स्टैंडर्ड सिंक्रोनस सीरियल प्रोटोकॉल्स दैट आर वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। तो जो ये I2C है, I2C इसको क्या बोलते हैं, ये सीरियल, इट इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट टू द स्लो डिवाइसेस। इट प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट, जो स्लो डिवाइसेस होते हैं, इट प्रोवाइड्स गुड सपोर्ट टू स्लो डिवाइसेस लाइक ई प्रोम हो गया आपका, ADC हो गया एंड RTC हो गया। तो ITC इज़ नॉट ओनली यूज विद द सिंगल बोर्ड बट ऑल्सो यूज विद अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी ये यूज होता है, विच हैव कनेक्टेड विद बोर्ड थ्रू द केबल्स। जिसमें मतलब सिंगल बोर्ड के साथ ही नहीं, इट इज़ यूज नॉट ओनली विद सिंगल बोर्ड, लेकिन ये अदर बोर्ड्स के साथ भी यूज होता है, विद अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के साथ भी यूज होता है, विच हैव कनेक्टेड विद बोर्ड्स, अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होता है which have connected with boards, which have connected with boards through cables, cables के माध्यम से जो connect होता है। तो I2C basically एक two wire communication protocol है। ठीक है, it uses only two wire for communication, which one wire is used for data, एक wire तो use होती है data के लिए, one wire is used for data, ठीक है, मतलब SDA एंड अदर वायर इज यूज फॉर क्लॉक। इट इज़ ए टू वायर कम्युनिकेशन जिसमें एक SDA होता है और एक होता है SCL, अदर वायर इज यूज फॉर क्लॉक। ठीक है, बाकी SPI है आपका, ये मैंने आपको बताया था कि SPI जो होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता है, ये एक फोर वायर बेस्ड, देखिए ये टू वायर है और ये फोर वायर बेस्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। दीज वायर जनरली नोन एज MOSI, इसको हम MOSI भी बोलते हैं, मतलब कि मास्टर आउट स्लेव इन। इसका मतलब क्या है? मास्टर आउट स्लेव इन। ठीक है, तो MISO मास्टर इन स्लेव आउट, या SCL सीरियल क्लॉक, SS, आप ये कह सकते हो कि इसके ये सारे नाम हैं, ये फोर वायर बेस्ड फुल डुप्लेक्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो आपका SPI है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ये फोर वायर बेस्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, प्रोटोकॉल होता है। एंड दीज वायर जनरली नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, MOSI बोलते हैं,
यानी कि मास्टर आउट स्लेव इन बोलते हैं, MISI मास्टर इन स्लेव आउट बोलते हैं, या SCL बोलते हैं, मतलब सीरियल क्लॉक विच प्रोड्यूसेस बाय द मास्टर, एंड SS मतलब कि स्लेव सेलेक्ट लाइन विच इज़ यूज टू सेलेक्ट स्पेसिफिक स्लेव ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन. तो SPI इज सपोर्टेड ओनली मल्टी स्लेव, डज नॉट सपोर्ट मल्टी मास्टर. ये मल्टी स्लेव सपोर्ट करता है, इट ओनली सपोर्ट्स मल्टी स्लेव. इन SPI ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन डेटा को शिफ्ट आउट करते हैं, जैसे ये मास्टर है तो डेटा इज शिफ्टेड आउट. द डेटा इज शिफ्टेड आउट फ्रॉम द मास्टर एंड शिफ्टेड इन टू द स्लेव. और किस में शिफ्ट करते हैं, स्लेव में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा थ्रू शिफ्ट रजिस्टर. तो SPI का एडवांटेज यही है कि नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होते हैं SPI में, नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होते हैं, सो द डेटा कैन बी स्ट्रीम्ड कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन. इट सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स, इसमें फुल डुप्लेक्स होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, नो नीड फॉर प्रिसीजन ऑसिलेटर्स. इसमें नो नीड फॉर प्रिसीजन ऑसिलेटर्स इन स्लेव डिवाइसेस, क्योंकि मास्टर क्लॉक यूज करता है. हायर डेटा ट्रांसफर रेट होता है, हायर डेटा ट्रांसफर रेट होता है एज इट यूजेज देन 12C, एंड सिंपल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइसेज यूज फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड और माइस. तो प्लॉटर जो होता है एक हार्डवेयर डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स. प्लॉटर क्या होता है, एक टाइप ऑफ प्रिंटर होता है, मतलब एक आउटपुट डिवाइस है. प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस, राइट, एंड इट यूजेज अ पेन टू क्रिएट अ प्रिंट ऑन पेपर और मीडिया. ये एक पेन यूज करता है. द आउटपुट इज क्रिएटेड ऑन वेक्टर ग्राफिक्स, इट मीन्स द डॉट्स आर प्रिंटेड. डॉट्स प्रिंट होते हैं विच आर जॉइंड बाय लाइन्स एंड कर्व्स टू प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस. तो प्लॉटर्स आर प्रेजेंट इन मेनी डिजाइंस यूज फॉर प्रिंटिंग लार्ज फॉर्मेट प्रिंट्स. इट इंक्लूड्स आर्किटेक्चर, जैसे इसमें लेआउट्स होते हैं, इसमें बिल्डिंग प्लान्स होते हैं, शिप डिजाइंस होते हैं, कैड होता है. तो प्लॉटर यूटिलाइजेस पेन्स और मार्कर्स टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन एन आउटपुट मीडिया. दीज पेन्स मूव डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय प्लॉटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल मैनेजमेंट येस, डिवाइस मैनेजमेंट येस, डेटा एनालिसिस नो, मेमोरी मैनेजमेंट येस. ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट करता है लेकिन डेटा एनालिसिस नहीं करता, राइट. तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है. दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर, एक यूजर के बीच में, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, यूजर जैसे मैं हूँ और कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है. एंड इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है. इसमें सिक्योरिटी भी होती है, एरर डिटेक्टिंग एड्स भी होते हैं, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस होता है, ठीक है. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉट इज द स्पीड ऑफ फैक्टर ऑफ ए एम स्टेज पाइपलाइन विद एन टास्क. इसका राइट फॉर्मूला है एम मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन माइनस वन. दैट मीन्स इसने क्या पूछा है, स्पीड ऑफ फैक्टर. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम टेकन, TWP होता है इसमें, दैट मीन्स टाइम टेकन एंड डिवाइडेड बाय TP. मतलब आप ये कह सकते हो कि टाइम टेकन नंबर ऑफ स्टेजेस, ये होता है नंबर ऑफ स्टेजेस इनटू नंबर ऑफ टास्क होता है, इनटू नंबर ऑफ टास्क होता है. और TP फॉर पाइपलाइन टास्क क्या है, फॉर पाइपलाइन जैसे हम कर रहे हैं तो पाइपलाइन में टास्क क्या है, टास्क इज एन, स्टेज इज एम. तो वन टास्क टेक एम साइकिल एंड एन माइनस वन टेक साइकिल. तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ये यही बैठता है, करेक्ट. SUP स्पीड अप होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. इफ टैग कंपैरेटर साइज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट फुली एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग RXYZ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखिए पहली बात तो जो डायरेक्ट मैपिंग होती है, व्हाट इज डायरेक्ट मैपिंग. इन दिस मैपिंग टेक्निक अ मेन मेमोरी ब्लॉक हैज फिक्स्ड लोकेशन. जो आपकी मेन मेमोरी ब्लॉक होती है, इट हैज़ अ फिक्स्ड लोकेशन. इसकी फिक्स्ड लोकेशन होती है इन कैशे.
आईथ ब्लॉक ऑफ पेज इज मैप टू द आईथ ब्लॉक ऑफ कैशे, मतलब जो भी इसका ब्लॉक होगा वो इसी ब्लॉक से ही मैच करेगा. आईथ ब्लॉक जो होगा, आईथ ब्लॉक ऑफ पेज इट इज मैप्ड इनटू आईथ ब्लॉक ऑफ कैशे. ठीक है, तो ये तो आपका डायरेक्ट मैपिंग हो गया. दूसरा है आपका फुली एसोसिएटिव मैपिंग. फुली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड इट एनी लाइन ऑफ कैशे. जो मेन मेमोरी ब्लॉक है, मैं मेन मेमोरी ब्लॉक को MMB से डिनोट कर रही हूँ, जो मेन मेमोरी ब्लॉक है इट कैन बी प्लेस्ड एट एनी लाइन ऑफ कैशे. कैशे के किसी भी लाइन में हम उसको रख सकते हैं. सेट एसोसिएटिव में क्या होता है, सेट एसोसिएटिव में अ मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विद के ऑल्टरनेटिव्स. अ मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विद के ऑल्टरनेटिव्स, विद के ऑल्टरनेटिव्स इन अ सेट. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि नंबर ऑफ टैग बिट्स जो हैं ये मैक्सिमम होंगे फुली एसोसिएटिव में या मिनिमम होंगे डायरेक्ट मैपिंग में. मैं लिख देती हूँ, जो नंबर ऑफ टैग बिट्स होते हैं, ठीक है, दे आर मैक्सिमम इन फुली एसोसिएटिव मैपिंग एंड मिनिमम होते हैं डायरेक्ट मैपिंग में, DM मतलब डायरेक्ट मैपिंग में. एंड साइज ऑफ टैग कंपेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टैग बिट्स. साइज ऑफ टैग कंपेरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टैग बिट्स. तो एग्जांपल जैसे अभी ये छोड़ दो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई. एक्स क्या है आपका, डायरेक्ट मैपिंग है. जेड क्या है आपका, फुली एसोसिएटिव है. और वाई क्या है, सेट एसोसिएटिव है. तो एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई, ये इसका राइट आंसर है. तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.